हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियो इब्राहिम। अच्छा दोस्तों, हमारा आज का सेशन है फरा के साथ आर्ट टिप्स। फरा जो है वो घरेलू ख्वातीन और बच्चों के लिए छोटे छोटे आर्ट टिप्स लेके आती हैं, छोटी छोटी हैंडी क्राफ्ट, हैंडमेड आर्ट पीसेस बनाना सिखाती हैं, जिससे ख्वातीन जो है वो अपने घरों की वॉल्स को सजा सकती हैं, अपने ड्राइंग रूम को डेकोर कर सकती हैं। और बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें भी होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से स्कल्पचर बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, और उनको शौक पैदा होता है उनके टिप्स देख के। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज फरा की पटारी में क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब होपफुली ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और छोटा सा क्राफ्ट लेके आई हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है और वैसे ही घर में डेकोरेट हो सकता है और बहुत अच्छा लगता है। गाइस, ये आपने स्टोन देखा है, ये हमारे घरों की क्यारियों में आमतौर पे पड़ा होता है, और अगर वैसे भी देखें तो ये आसानी से हमें मिलता है। आज हम इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास ब्रश है, इसके साथ हमने कुछ पोस्टर कलर्स लिए हैं और अब हम इसके ऊपर ड्राॅइंग करेंगे। गाइस, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई सीन भी ले सकते हैं, कहीं से देख भी सकते हैं और उसको देख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर डायरेक्टली पेंट करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। गाइस, हम मेक श्योर करेंगे जब हम इसको बना रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये साथ साथ ड्राई होता जाए। हमें इसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको थोड़ा सा छोड़ के पेंट करना है ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। मैं एक सनसेट का सीन बना रही हूँ। हमने इसका स्काई का सीन बना लिया, अब हम इसकी बेस देंगे। जैसे कि आपने देखा है, जब सनसेट हो रहा होता है तो उसमें इस तरह से शेड्स और इस तरह से बहुत सारे कलर्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ऐसे हमारे स्टोन की बेस रेडी है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इट विल टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू गेट ड्राई। गाइस, अभी देखें, आपके स्टोन की जो बेस है वो रेडी हो गई है और ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है पेंट। अब हम इसके ऊपर अपना इमेज तैयार करेंगे। क्योंकि मैं सनसेट का सीन बना रही हूँ, उसमें थोड़े से डार्क कलर्स होते हैं और थोड़ा सा नाइट सीन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो ग्राउंड है उसको मैं बिल्कुल डार्क दिखा दूँ। जब हम ब्लैक कलर इस पर लगाएंगे तो जैसे ही हम इसके ऊपर ब्लैक कलर लगाएंगे तो नीचे वाले शेड्स इसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत टेक्सचर देते हैं।
ये हमने ग्राउंड का इमेज दिया है, उसके बाद हम अपने सनसेट के अंदर एक थोड़ा सा पानी का इफेक्ट देंगे जो कि ग्राउंड के पास इस तरह से जमीन में होता है। हम चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा थिक पेंट्स भी यूज कर सकते हैं। मैं इस पे कुछ लीव्स बनाऊंगी। जैसे झाड़ियां होती हैं और उन झाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे से ऐसे प्लांट्स बनेंगे। गाइस ये देखिए, एक हमारा एक स्टोन रेडी है। आप इसको देखेंगे इसकी फील कितनी खूबसूरत आ रही है। इस पर हम कोई भी हेयर स्प्रे कर सकते हैं ताकि पेंट जो है वो अपनी जगह पे स्टिक हो जाए और हिले नहीं। इसके अलावा मैंने और बहुत सारे स्टोन्स बना के रखे हैं और बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों को डेकोरेट करती रहती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कुछ और स्टोन रेडी किए। ये भी एक लैंडस्केप है। Also another landscape. Big stone है। And guys, look at this. हम इसको इस तरह से किसी भी स्टैंड के ऊपर अरेंज कर सकते हैं और किसी भी टेबल पे, किसी भी कॉर्नर पे हम इसको सजा सकते हैं जो कि बना हुआ और लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। थैंक यू सो मच। आज का क्राफ्ट मेरा इतना ही। थैंक यू।